हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हम 20 वर्ड्स विद इजी ट्रिक्स को हम साथ लेके आए हैं। डे 7 है आज का। उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट के सारे वीडियोस को देखा होगा, उनको याद किया होगा और आपको लगा होगा कि वर्ड्स को याद करना इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हम 10 मिनट में भी 20 वर्ड्स याद कर सकते हैं। और हम देखो काफ़ी सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं। आप जैसे चैनल पे देखते जा रहे होंगे कि एस्टेट से रिलेटेड, हरियाणा जीके से रिलेटेड, देन वन वर्ड इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, सभी को देखिए, फ़ायदा उठाइए इनका। ओके, लेट्स स्टार्ट विद डे 7। फर्स्ट वर्ड इज एब्स्टीमियस। इट मीन्स टेम्परेट और स्पेरिंग। एब्स्टीमियस मीन्स टेम्परेट और स्पेरिंग, किसी से परहेज करना, उसे कहते हैं हम एब्स्टीमियस। जैसे कहते हैं कि जो हमारे एब्स हैं वो हमारी टम्मी से परहेज किए हुए हैं, वो आते ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर ले हमारे एब्स नहीं बनते। तो एब्स्टीमियस मीन्स टेम्परेट और स्पेरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश मतलब क्या होता है? डांटना, जैसे होता है ना स्कॉल्ड, सेंसर, रिब्यूक, ये सारे वर्ड सिनोनिम्स है आपके एडमोनिश के। ठीक है, जो आदमी है जो एडमिन है वो सबको डांटता है कि मेरे ग्रुप में ऐसा क्यों किया, आपने अच्छे कमेंट क्यों नहीं किए। तो आप ऐसे याद रखना एडमिन, ठीक है, एडमिन से स्कॉल्ड। देन एमिटी। एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप। एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप। जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, वो काफ़ी फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, तो उसमें हम जाते हैं तो हमारी फ्रेंडशिप इजीली बन जाती है वहाँ पे सबसे। तो एमिटी यूनिवर्सिटी कैसी है? फ्रेंडली, पॉजिटिव वर्ड के है ये, ऐसे याद रख लेना। देन फोर्थ वन इज बैसन। बैसन मीन्स अ फोर्टिफिकेशन, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड। जैसे पहले टाइम पे जो होते थे किले जो होते थे उसकी चार दीवारी कर देते थे, राइट, उसे कहते हैं बैसन। मीन्स उसको उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी ताकि बाहर के जो हैं वो अटैक ना कर सके उन पर। किसी चीज के लिए लीनियंट होना, उसे कहते हैं हम क्लीमेंसी। सिक्स्थ वर्ड इज डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन्स टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे स्कैटर होना जिसे कहते हैं, कि हमें उसको किसी जो स्कैटर करना, जैसे लाइट जो स्कैटर होती है वो हर डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फिनेस। इसे कहते हैं फिनेस, मीन्स डेलिकेट स्किल। इसको कैसे याद रखें? जो फाइनेंस जो होती है आपकी, फैंसी जो होती है, उसमें बहुत ही डेलिकेट स्किल होते हैं, इसलिए हम उसको फैंसी चूज करते हैं। इम्पीरियस। इम्पीरियस मीन्स एक्सट्रीमली ओवरबेयरिंग, या फिर कह सकते हैं डोमिनियरिंग, ठीक है, जो बहुत ही एक्सट्रीम है, ओवरबेयरिंग और एक्सट्रीमली ओवरबेयरिंग। अब डोमिनियरिंग वर्ड से तो आप समझते होंगे कि डोमिनियरिंग वर्ड हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि डोमिनियरिंग मीन्स इम्पीरियस। नेक्स्ट वर्ड इज लेरसनी। लेरसनी मीन्स द एक्ट ऑफ स्टीलिंग अनदर्स प्रॉपर्टी, किसी दूसरी की प्रॉपर्टी पर लार टपकाना, जिसे कहते हैं ना, उसे कहते हैं लेरसनी। देन मॉलिफाई। मॉलिफाई मीन्स पैसिफाई, प्लेसेट करना, शांत करना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे? मॉलिफाई से पैसिफाई और प्लेसेट। नेक्स्ट वर्ड इज नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म क्या होता है? न्यूली क्वाइंड वर्ड और फ्रेज। जो भी एक कोई भी नया वर्ड या फ्रेज जिसे बनता है उसे हम कहते हैं नियोलॉजिज्म। देन प्लाइट। प्लाइट मीन्स डिफिकल्ट और एडवर्स सिचुएशन। जैसे हम फ्लाइट में जा रहे थे तो हम प्लाइट, ऐसे फ्लाइट से प्लाइट, कि हम फ्लाइट में जा रहे थे तो हमें एक एडवर्स सिचुएशन फेस करनी पड़ी, प्लाइट फेस करना पड़ा। जैसे 13th इज रेपर्टॉयर। रेपर्टॉयर मीन्स अ लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ म्यूजिक और रीडिंग्स दैट आर रेडी फॉर परफॉर्मेंस। दैट आर रेडी फॉर परफॉर्मेंस। ये कैसे याद रखना है कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं कोई भी आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम में, तो वहाँ पे रिपीट करते रहते हैं अपनी म्यूज़िक के बारे में, भी हम पहले ये सुनाएंगे उसके बाद फिर ये प्रोग्राम होगा, ऐसे जो रिपीट करते रहते हैं बार बार। क्या करते हैं रिपीट? कि जो परफॉर्मेंस जो रेडी हुई है उसके लिए क्या क्या रीडिंग्स है, क्या क्या म्यूज़िक है, उस सब के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ रप्चर। रप्चर मीन्स टू ब्रेक अपार्ट।
जैसे हम कहते हैं कि यह हमारा रप्चर हो गया है, फ्रैक्चर होता है, जैसे फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की भी तो होता है तोड़ना, तो फ्रैक्चर से रप्चर, फ्रैक्चर से रप्चर, टू ब्रेक अपार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सोलिसिटस। सोलिसिटस मीन्स वरीड, कंसर्न, ठीक है, कि जो हमारे सोल्जर हैं, जो जो हमारे सोल्जर हैं वो हमारे लिए कंसर्न होते हैं, ठीक है, हमारे लिए वरीड होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, सोलिसिटस, वरीड, कंसर्न। देन स्टॉलिड, स्टॉलिड मीन्स शोइंग लिटिल इमोशन, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा कहते हैं स्टिल, क्या आई एम स्टिल वेटिंग, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे स्टिल, स्टिल मतलब लिटिल इमोशन, अभी भी मैं शो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी आई एम शोइंग लिटिल इमोशन। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पस्टुअस। टेम्पस्टुअस मीन्स स्टॉर्मी, टर्बुलेंट, इस वर्ड से आप फैमिलियर होंगे काफ़ी, स्टॉर्मी, ठीक है, तो आप स्टॉर्मी से याद कर सकते हो टेम्पस्टुअस, ठीक है, कि जब स्टॉर्म, जब स्टॉर्मी जो है, जैसे स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म क्या होता है, तूफान, तो उससे जो हमारा टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, टेम्परेचर से स्टॉर्मी, स्टॉर्मी से भी टर्बुलेंट, ठीक है। अनटेनेबल, अनटेनेबल मीन्स नॉट एबल टू बी डिफेंडेड, अनटेनेबल मीन्स नॉट एबल टू बी डिफेंडेड, ठीक है, ये वन वर्ड में भी आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड आता है, तो इसको याद रखिएगा। ऐसे होता है फिर इलेजिबल, नॉट क्लियर एनफ टू बी रीड, अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिख रही है कि हम उसे पढ़ पाए, तो उसे कहते हैं इलेजिबल, ठीक है, जैसे हम कहते हैं एलिजिबल कि भाई एलिजिबल नहीं है, मतलब कि वो उसके लायक नहीं है, तो ऐसे ही इलेजिबल, नॉट क्लियर एनफ टू बी रेड। ले, देखो ले वर्ड होता है एक, इट्स अ ले, LAY, ले मीन्स होता है कि जनरल अपीयरेंस ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, की जो एक लैंड का जो एक जनरल अपीयरेंस होता है ना, उसे कहते हैं हम ले, जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का एक लेआउट तैयार करो, ठीक है, लेआउट तैयार करने को हम उसे याद रखेंगे कि ले। ओके, आज के हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट हुए, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ आएंगे। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखिए, उससे आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, और हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए हर टाइप की वीडियोस बनाते रहेंगे, हमारी टीम इस पे काम करती रहेगी, जो हम बिल्कुल बेस्ट प्रोवाइड कर सकेंगे हम वो प्रोवाइड करेंगे आपको, सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी। पेशेंस रखिए हर वीडियो को देखने का, उसको याद करने का, और जितनी वीडियो अवेलेबल है आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमारा चैनल जय रोहिल चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन पर क्लिक कर सकते हैं कि जो भी वीडियो सबसे पहले आपके, अब जो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।